कल तक जहां टीचर छात्रों को टेक्निक की जानकारियां दिया करते थे, आज वहां वीराना छाया है। कारण आपदा। आपदा ने राजकीय आईटीआई पॉलिटेक्निक को बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। कभी इस भवन में स्टूडेंट्स की चहलकदमी हुआ करती थी, अब इस भवन की हालत आप देख सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ केवल खंडर बनकर रह गया है। इसके पहले माले की छत के ऊपर आप देख सकते हैं कैसे पेड़ पौधे उगाए हैं। ये पहली मंजिल की खिड़कियां हैं, इनको आप बेसमेंट नहीं कह सकते, ये पहली मंजिल है जिसमें करीब 9 फीट मलबा आया है पानी के साथ, जो कि आपदा के दर्द को बयां करता है। जो ये बड़े बड़े आप पत्थर के टुकड़े देख रहे हैं, आपदा के समय यही पानी के बहाव के साथ आगे बढ़े थे, जिससे बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी। आपदा में जो गाड़ियां नदी में बहकर आई थी, उनके अवशेष अभी भी नदी के किनारे देखने को मिलते हैं। ये जो आपदा के मलबे में दबे हुए आप घर देख रहे हो, कभी यहाँ पर खुशहाल परिवार रहा करते थे, जिंदगियाँ फला फूलती थी यहाँ पर, और आज यह एक खामोशी छाई हुई है। ये तमाम घर अभी तक मलबे में दबे हुए हैं। जहाँ भी काम चल रहा है, यहाँ कभी मकान हुआ करते थे, घर हुआ करते थे, होटल हुआ करते थे, जो सभी कुछ नदी के बहाव के साथ बह गया। अब इनको फिर से खड़ा किए जाने की पहल जारी है।